सत्य शोधक समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल सावले आज मौसम चटर्जी के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। यह विवाह सत्य शोधक पद्धति से संपन्न हुआ है। विवाह अपने आप में एक क्रांति है। इससे दो दिलों और दो परिवारों को जुड़ते हैं और नए परिवार का आगमन होता है। राहुल और मौसमी का विवाह कोई मामूली विवाह नहीं है। इस विवाह में ऐतिहासिक क्रांतियों का पुनर्प्रारंभ हुआ है। 4 फरवरी 1888 को महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने बेटे यशवंत ज्योतिबा फुले का विवाह कुमारी राधा ससाने से करवाया था। आधुनिक भारत में यह क्रांतिकारी विवाहों में से यह विवाह सत्यशोधक समाज के रीति रिवाज अनुसार बगैर दहेज के, बगैर ब्राह्मण पुजारी के मंत्रों से, बगैर सात फेरों के, बगैर किसी ब्राह्मणवादी के इस्तेमाल किए अंतर जातीय विवाह था। इस विवाह में पूरे समाज में एक हलचल मचा दी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी राहुल सावले ने अपने विवाह के जरिए उस क्रांति को फिर से दोहराया है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सार्वजनिक सत्य धर्म की स्थापना की है। उनकी आखिरी पुस्तक सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक में उन्होंने जो सामाजिक बदलाव की रूपरेखा दी है उसमें विवाह पद्धति का भी अध्याय है जो सभी रूढ़िवादी परंपराओं से भिन्न है। इसमें सात फेरे नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, मंत्र जाप नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। साथ ही उसमें स्त्री पुरुष समानता को अहम दर्जा दिया गया है। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। हम सब युवाओं को या हम सब समाज के लोगों को आडम्बर मुक्त जीवन जीने के लिए हमेशा बाबा साहब के विचार और हमारे सत्य शोधक समाज के विचार ज्योतिबा फुले के विचारों को आत्मसात करते हुए हम सबको ये जीवन में अमल करना चाहिए। मैं अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से नव दंपत्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आपका आने वाला जीवन सुखमय हो, भविष्य सुखी बीते और आप चिरायु भव। जैसे अन्य लड़कियों या शादी होती है तो कम से कम 2 या 3 बार की शादी होती है। आपकी शादी सही तरीके से अन्य तरीके से भी बात एक दिन में हो गई, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि अभी तक जो शादियाँ होती थी हमारे समाज में, हमारे शादी परिवार में, तो उसमें बहुत सारी रस्में होती है जिनका कोई मोल नहीं होता है, कुछ उनका मूल्य नहीं होता है। लेकिन उसमें महिलाओं को कोई सम्मान वाली कोई बात नहीं रहती, हमेशा पति को पीछे रखा जाता है किसी भी चीज़ में, हमेशा पति को आगे और पत्नी को पीछे रखा जाता है। लेकिन ये जो विवाह करने का हमने जो फैसला किया है तो उसमें क्या है कि महिला और पुरुष, पति और पत्नी दोनों को समानता का भाव है और इस समानता के भाव को पाके मैं काफ़ी खुश हूँ और भी महिलाओं को मैं महसूस करना चाहती हूँ कि पति के बराबर है, वो उनसे पीछे नहीं है, उनसे किसी भी चीज़ में कम नहीं है। और शिक्षा के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। सभी ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को पढ़ें और समझें, है ना? तो ये मेरा। आपको ऐसा लगता है कि आपके विवाह से और आपकी बातों से भारतीय समाज में महिलाओं को मतलब एक मैसेज मिलेगा कि वो भी आपकी तरह इस तरह का विवाह अपनाएं और इस तरह के उद्देश्य करें? हाँ, क्योंकि ये एक मतलब नई पहल है हमारी, तो हालांकि इससे पहले हो चुका है लेकिन हमने जो अभी इस क्षेत्र में निमाड़ क्षेत्र में पहल किए तो काफ़ी लोग जब हमको देखेंगे तो सोचेंगे समझेंगे कि आखिर ये ऐसा विवाह इन्होंने क्यों किया, तो उस चीज़ को समझेंगे और जो मैं मैसेज दे रही हूँ तो ज़रूर वो लोग गूगल करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। सत्य शोधक समाज के हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष राहुल सावले की शादी में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ और जिस तरह से मैंने यहाँ देखा है ये महात्मा फुले जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही साधारण तरीके से अपनी शादी उन्होंने की है और समाज में जो रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करने का काम ये कर रहे हैं और हमेशा से इस तरह का काम करते आए हैं। आज उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाते हुए खुद की शादी बहुत साधारण तरीके से करते हुए समाज को दिशा देने का काम किया है और समाज इससे प्रेरित होकर भविष्य में भी इसी तरह की शादियाँ हों इस बात के लिए राहुल भैया अभी मुझे बता रहे थे कि हम लोग पूरे समाज में घर घर जाकर इस बात का हम लोग बोलेंगे कि किस तरह से एक साधारण शादी करते हुए लाखों करोड़ों रुपए का जो खर्चा समाज का हो रहा है उसको बचा के ये पैसा समाज की उन्नति में लगे, बच्चों की शिक्षा में लगे, स्वास्थ्य में लगे, इस भाव को लेकर समाज के आगे जाएंगे भी और पूरी बातें बताएंगे। इस अवसर पर इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और माँ नर्मदा इन्हें और आगे अच्छे से बढ़ाए और सुखी जीवन ये गर्व दोनों व्यतीत करें ऐसे भाव। आज बड़ी खुशी का अवसर है, सत्य शोधक समाज के हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष राहुल सावले की शादी में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ और जिस तरह से मैंने यहाँ देखा है
ये महात्मा फुले जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही साधारण तरीके से अपनी शादी उन्होंने की है और समाज में जो रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करने का काम ये कर रहे हैं और हमेशा से इस तरह का काम करते आए हैं। आज इन्होंने उस काम को आगे बढ़ाते हुए खुद की शादी बहुत साधारण तरीके से करते हुए समाज को दिशा देने का काम किया है और समाज इससे प्रेरित होकर भविष्य में भी इसी तरह की शादियाँ हों इस बात के लिए राहुल भैया अभी मुझे बता रहे थे कि हम लोग पूरे समाज में घर घर जाकर इस बात का हम लोग बोलेंगे कि किस तरह से एक साधारण शादी करते हुए लाखों करोड़ों रुपए का जो खर्चा समाज का हो रहा है उसको बचा के ये पैसा समाज की उन्नति में लगे, बच्चों की शिक्षा में लगे, स्वास्थ्य में लगे, इस भाव को लेकर समाज के आगे जाएंगे भी और पूरी बातें बताएंगे। इस अवसर पर इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना है और माँ नर्मदा इन्हें और आगे अच्छे से बढ़ाए और सुखी जीवन ये गौरव बुद्ध दोनों व्यतीत करें ऐसे भाव। अलग थलग होकर हाँ ये जो अभी तक मैंने जितने भी युवा देखे मैं कई युवाओं में गया हूँ भी उसमें बहुत सारी परंपराएं जो ऐसी है जो पाखंड से रिलेटेड हमने इन सारे पाखंड को एक तरफ करके महात्मा फुले का जो सबसे समाज है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आप इस विवाह के माध्यम से समाज को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही निवेदन है सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और संगठन से और अदर संगठन से भी जो फुले अम्बेडकर अन्यायी है अपना जो शादी हो रहा है उसको स्टार्ट में करें और सत्य शोधक रीति से करें जिसमें महिला का सम्मान है, माता पिता का सम्मान है और अपनी पत्नी का सम्मान है, पति का सम्मान है और समानता की बात है। एक पूरे विश्व में एक अच्छा मैसेज गया है और हमारे प्रेरणादायक सुनील सरदार उनके मार्गदर्शन में ही पहले महात्मा फुले ही मिशन चलाते थे उसके बाद सुनील सरदार जी ने चलाया और ये प्रथा हम जारी रखते हैं। विवाह जो हुआ है कहना है कि बड़े ऐतिहासिक तरीके से हुआ है अन्य विवाहों में आपके विवाह में ऐसा क्या अंतर है कि जो इतनी आपकी चर्चा हुई है? मैं बता दूं मैं एक सत्य समाज अंतर्राष्ट्रीय संगठन से युवा प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश का और हम जब काम करते हैं तो जो रीति हमने पढ़ी है हिंदू धर्म के अंदर उसमें सारा पाठन है और हमने सत्य शोधक में जब महात्मा फुले ने जो सत्य शोधक विवाह की विधि जो चालू करी है वो एक समानता का परिचय देती है और महिला का सम्मान देती है, माता पिता का सम्मान देती है। इसके उपलक्ष्य में हमने आज महात्मा फुले का सपना पूरा किया है और उनकी शादी जो फर्स्ट जो हमने शादी दी थी सत्य शोधक विवाह से यशवंत राव फुले जो उनका बोल दिया वो बेटा था उनकी शादी दी। उसके बाद अनेकों शादियाँ हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सत्य शोधक विवाह हुए इस प्रथा को जारी हमने आज रखा है और सत्य शोधक विवाह से आज हमारा मैं राहुल सावले और ये मेरी पत्नी मौसमी चटर्जी आज हम दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सत्य शोधक समाज के युवा प्रदेश के अध्यक्ष और मेरे साथी भाई राहुल सावले जी के विवाह के इस अवसर पर मैं राहुल सावले जी एवं मौसमी चटर्जी दोनों वर वधु को अपनी ओर से मंगल कामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और इनके उज्ज्वल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूँ। और जिस तरह से हमेशा समाज में एक नया उदाहरण राहुल भाई पेश करते आए हैं आज भी उन्होंने एक नया उदाहरण पेश किया है। जबकि अच्छे से और बड़े ही गरिमा में कार्यक्रम कर सकते थे शादी का लेकिन उन्होंने बड़े साधारण रूप से बाबा अम्बेडकर जी से प्रेरित होकर और महात्मा फुले जी से प्रेरित होकर जो आज उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा आयोजन रखते हुए समाज को बड़े खर्चे से बचाते हुए बड़ी प्रेरणा समाज को दी है। इसी तरह के हम सब समाज के जो हमारा तबका है उसको आर्थिक रूप से विवाह में अगर कम खर्चे होंगे तो हमारा समाज आर्थिक रूप से उन्नत होगा, समाज जागृत होगा, बच्चों की वो पैसा शिक्षा में लगेगा और समाज विकास की ओर अग्रसर होगा और देश निर्माण में हम लोग सब भागीदार होंगे। इस भाव के साथ पुनः राहुल सावले जी और मौसमी चटर्जी दोनों को मैं इस विवाह अवसर पर मंगल कामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। प्रभु इनको हमेशा खुश रहे, सुखी रखे, ऐसे भाव प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।